हेलो फ्रेंड्स, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम हियर अगेन एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इट्स अ 50 ओवर वर्ल्ड कप, नॉट T20I। सो बात करते हैं इसके बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट है, सारी कंट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से खास करके उन कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो क्रिकेट के फुल मेंबर्स नहीं हैं, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो मतलब उभरती हुई कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका वगैरह है, नेपाल है और भी बहुत सी टीमें हैं, आयरलैंड वगैरह है। तो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा। चल रहा है वर्ल्ड कप अभी, तो इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आप लोगों को, जिसको मतलब ज़्यादा बेसिक क्रिकेट का पता नहीं है उसको भी समझ आएगा और पेरेंट्स वगैरह को भी ये समझना चाहिए, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है अगर उनके बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं तो। क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप से बहुत से प्लेयर आए हैं जो बाद में काफ़ी नाम कमाए हैं। अपने टाइम पे युवराज वगैरह भी खेले थे, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ वगैरह, विराट कोहली भी उससे काफ़ी चमका था, ऋषभ पंत है उसका प्रोडक्ट, ये यशस्वी जायसवाल वगैरह हैं, पृथ्वी शॉ आया था, उन्मुक्त चंद था, बहुत से प्लेयर्स हैं। मतलब अंडर 19 में कोई प्लेयर अगर बहुत अच्छा करता है तो उसका नाम काफ़ी आगे जाता है, अगर उसमें जेन्युइन टैलेंट है तो। तो बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो इसमें सबसे पहले तो 50 ओवर का ये वर्ल्ड कप है फॉर्मेट, और चार ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो एक ग्रुप में चार टीमें रखी गई हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, 4 चौके 16, 4×4=16, तो टोटल 16 टीमें हैं। अगर मैं आपको बता दूं तो ग्रुप ए में चार टीमें जो हैं वो है इंडिया अंडर 19, बांग्लादेश अंडर 19, आयरलैंड अंडर 19 और USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अंडर 19, ठीक है। और ग्रुप बी की अगर बात की जाए तो ग्रुप बी में है साउथ अफ्रीका अंडर 19, वेस्ट इंडीज अंडर 19, इंग्लैंड अंडर 19 और स्कॉटलैंड अंडर 19। और ग्रुप सी की बात अगर हम करें तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया अंडर 19, श्रीलंका अंडर 19, जिम्बाब्वे अंडर 19 और नामीबिया अंडर 19, ओके। और ग्रुप डी की अगर हम बात करें तो इसमें है पाकिस्तान अंडर 19, न्यूजीलैंड अंडर 19, नेपाल अंडर 19 और अफगानिस्तान अंडर 19। तो चार तो ये ग्रुप हो गया ABCD, ये ग्रुप में चार टीमें हैं, तो 4×4=16 टीमें हो गई। अब देखिए, सारी टीमों को ग्रुप स्टेज में तीन मैच मिले हैं, तीन मैच हो गए हैं, तीन ही मैच मिलता है। और जो तीन मैच में तीन टीमें टॉप पर रहेंगी वो अगले स्टेप में जाएंगी, अगले स्टेप में, ठीक है। एक टीम बाहर हो जाएगी जो सबसे नीचे रहेगी टेबल में। तो ग्रुप ए में, ग्रुप ए जो है इसमें इंडिया अंडर 19 तीन मैच खेली है, तीनों जीती है, 6 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट है +3.24, तो ये अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई, ठीक। दूसरी टीम है बांग्लादेश अंडर 19, ठीक है, ये तीन मैच खेली है, तीन में दो जीता है बांग्लादेश, एक हारा है, पॉइंट है 4 और नेट रन रेट है +0.37, तो ये भी क्वालिफाई कर गया है नेक्स्ट राउंड में, ओके। और तीसरी टीम है क्वालिफाई करने वाली आयरलैंड अंडर 19, ये तीन मैच खेले हैं, एक जीते हैं, दो हारे हैं, लेकिन इनका जो है नेट रन रेट -0.77 है। तो तीन टीम को क्वालिफाई करना है चार में से तीन, तो ये भी क्वालिफाई कर गए अगले राउंड के लिए। और चौथी टीम है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अंडर 19, ये तीन मैच खेले हैं, तीनों हार गए हैं और इनका नेट रन रेट भी बहुत बेकार है, -3.24 है, तो ये बाहर हो गए यहीं से। तो ग्रुप ए से क्या हुआ, इंडिया अगले राउंड में गया, बांग्लादेश अगले राउंड में, आयरलैंड अगले राउंड में गया, क्वालिफाई कर गया और अमेरिका बाहर हो गया, USA बाहर हो गया, ठीक है। अब आते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका अंडर 19 तीन मैच खेला है, दो जीता है, एक हारा है, पॉइंट्स हैं 4 और नेट रन रेट है +1.06, तो ये अगले राउंड में पहुंच गया, क्वालिफाई कर गया। दूसरी टीम है वेस्ट इंडीज अंडर 19, तीन मैच खेली है, दो जीती, एक हारे और पॉइंट्स हैं 4 और नेट रन रेट है +0.65,
ये भी अगले राउंड में क्वालिफाई कर गए। ओके, और तीसरी टीम है इंग्लैंड अंडर 19, ये भी 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं 1 हारे हैं, पॉइंट्स हैं 4 और नेट रन रेट है +0.58, तो ये भी क्वालिफाई कर गए। और ग्रुप बी में चौथी टीम जो है स्कॉटलैंड अंडर 19, 3 मैच खेले, 3 हार गए और नेट रन रेट है -3.10। तो ग्रुप बी से क्या हुआ, स्कॉटलैंड बाहर हो गया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में जो है ऑस्ट्रेलिया अंडर 19, 3 मैच खेला, 3 जीता, नेट पॉइंट्स है इसके 6 और नेट रन रेट है +2.60। ओके, ये क्वालिफाई कर गया नेक्स्ट राउंड के लिए। दूसरी टीम है श्रीलंका, 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं 1 हारे हैं, पॉइंट्स है 4, नेट रन रेट +1.24, नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई। तीसरी टीम है जिम्बाब्वे अंडर 19, 3 मैच खेले हैं, 1 जीते हैं 2 हारे हैं, पॉइंट्स है 2 और नेट रन रेट है -2.04, लेकिन ये भी क्वालिफाई कर गए क्योंकि 4 में से 3 को करना है, कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है बट कर गए, कोई नहीं। और चौथी टीम है नामीबिया अंडर 19, 3 मैच खेले, 3 हार गए और पॉइंट्स इनके 0 हैं, नेट रन रेट है -1.60। ठीक है, तो ये यहाँ से बाहर हो गए। तो ग्रुप सी से ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गया, श्रीलंका कर गया, जिम्बाब्वे कर गया और नामीबिया बाहर हो गया। अब आते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में है पाकिस्तान अंडर 19, 3 मैच खेला, 3 जीता, पॉइंट्स है 6, नेट रन रेट है +2.18, क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। दूसरी टीम है न्यूजीलैंड अंडर 19, 3 मैच खेले हैं, 2 जीते 1 हारे, पॉइंट्स है 4, नेट रन रेट +0.38, क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। ओके, थर्ड टीम है नेपाल अंडर 19, 3 मैच खेले, 1 जीते 2 हारे, पॉइंट्स हैं 2-2 एंड नेट रन रेट है -0.35, ये भी क्वालिफाई कर गए हैं। और चौथी टीम है अफगानिस्तान अंडर 19, 3 मैच खेले, 3 हार गए और पॉइंट्स हैं 0, नेट रन रेट है -2.00, तो ये भी बाहर हो गए। तो ग्रुप डी से क्या हुआ, पाकिस्तान अंडर 19 क्वालिफाई किया, न्यूजीलैंड अंडर 19 क्वालिफाई किया, नेपाल अंडर 19 क्वालिफाई किया और अफगानिस्तान अंडर 19 बाहर हो गया। तो इस तरह से ABCD ग्रुप से आप कौन सी टीमें क्वालिफाई कर गए समझ गए। चारों ग्रुप से 3-3 टीमें क्वालिफाई की, तो 3-4 जा 12 टीमें इसका मतलब क्वालिफाई की नेक्स्ट राउंड के लिए। अब क्या किया गया है कि ग्रुप ए और ग्रुप डी को मिला करके बनाया गया है सुपर सिक्स का ग्रुप 1। सुपर सिक्स मतलब 6 टीमें, ठीक है, 12 टीमें क्वालिफाई की हैं। तो सुपर सिक्स ग्रुप 1 जो बना है वो ग्रुप ए और ग्रुप डी से जो 3-3 टीमें क्वालिफाई की हैं उनको मिला के बना है। तो सुपर सिक्स ग्रुप 1 का भी क्या हाल चल रहा है देख लीजिए। सबसे पहले इंडिया अंडर 19, 3 मैच खेल चुकी है, 3 जीती है, पॉइंट्स है 6, नेट रन रेट है +3.33, इंडिया टेबल में अभी नंबर 1 चल रही है। दूसरी टीम है पाकिस्तान अंडर 19, 3 मैच खेली है, 3 जीते हैं, पॉइंट्स है 6, नेट रन रेट है +1.06, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है बांग्लादेश अंडर 19, 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारे, पॉइंट्स है 4 और नेट रन रेट है +0.34। ओके, चौथी टीम है न्यूजीलैंड अंडर 19, 3 मैच खेले, 1 जीते 2 हारे, पॉइंट्स है 2, नेट रन रेट है -1.92। पाँचवीं टीम है नेपाल अंडर 19, 3 मैच खेले, 3 हारे और पॉइंट्स है 0, नेट रन रेट है -1.44। और छठी टीम है आयरलैंड अंडर 19, 3 मैच खेले, 3 हारे, पॉइंट्स है 0, नेट रन रेट है -1.69। इसमें अभी 3-3 मैच हुए हैं सुपर सिक्स ग्रुप 1 का, तो अभी और मैचेज इसमें होंगे, फिर यहाँ से अगले राउंड के लिए टीमें क्वालिफाई करेंगी। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप सुपर सिक्स ग्रुप 2 में। ये है ग्रुप बी और ग्रुप सी को मिला के बनाया गया जो टीमें क्वालिफाई की हैं। तो इसमें सबसे ऊपर है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया अंडर 19, 2 मैच अभी खेला है ऑस्ट्रेलिया, 2 मैच खेला है, 2 जीते हैं, पॉइंट्स है 4, नेट रन रेट है +2.34। दूसरी टीम है साउथ अफ्रीका अंडर 19, 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारे, पॉइंट्स है 4, नेट रन रेट है +1.47। तीसरी टीम है वेस्ट इंडीज अंडर 19, 3 मैच खेले, 2 जीते 1 हारे, पॉइंट्स है 4 और नेट रन रेट है +0.13। ओके, चौथी टीम है श्रीलंका अंडर 19, 3 मैच खेले, 1 जीते 2 हारे, पॉइंट्स है 2, नेट रन रेट है +0.22। और पांचवी टीम है इंग्लैंड अंडर 19, 2 मैच खेले,
एक जीते एक हारे, और पॉइंट्स हैं 2 और नेट रन रेट है -0.08। और छठी टीम है जिम्बाब्वे अंडर 19, 3 मैच खेले, तीनों हार गए, पॉइंट्स है 0 और नेट रन रेट है -4.01। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी सुपर 6 के मैचेस चल रहे हैं। सुपर 6 ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सुपर 6 ग्रुप 1 में देखा जाए तो इंडिया पहले नंबर पर, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर, बांग्लादेश तीसरे नंबर पर, न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर, नेपाल 5वें नंबर पर और आयरलैंड 6ठे नंबर पर है। और सुपर 6 ग्रुप 2 में अगर देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर, वेस्ट इंडीज़ तीसरे नंबर पर, श्रीलंका 4थे नंबर पर और इंग्लैंड 5वें नंबर पर और जिम्बाब्वे 6ठे नंबर पर है। तो अभी मैचेज और मिलेंगे और टेबल में थोड़ा प्लेसेस ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अगर क्रिकेट जो लोग भी थोड़ा फॉलो करते हैं उनको आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया दमदार टीम है, साउथ अफ्रीका भी ठीक ठाक है और बाकी इंडिया भी काफ़ी दमदार टीम है। पाकिस्तान उकिस्तान मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, लेकिन अच्छी टीम है भी तो दिख रहा है, लेकिन काफ़ी टीमों को इसमें मौका मिल रहा है। देखा जाए तो 16 टीमें थी टोटल और अभी सुपर 6 में भी 12 टीमें आई हैं, तो अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है और आगे देखते हैं क्या होता है। इंडिया तो अपना 3 में से 3 मैच जीता है, ऑस्ट्रेलिया 2 मैच खेला है, 2 जीता है अभी, तो पाकिस्तान 3 खेला वो भी 3 जीता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इस टूर्नामेंट को आप लोग फॉलो करिए और यंगस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट है और इससे फ्यूचर स्टार्स निकल के आते हैं। थोड़ा बहुत देखा था मैं एक आध मैच एक दिन, थोड़ा उतना तो क्वालिटी नहीं लग रहा जैसे कोहली वाली के टाइम में था, बट फिर भी कुछ प्लेयर हैं ठीक ठाक, और इंडिया की टीम में कुछ बैट्समैन तो हमेशा अच्छे रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं और बाकी कंट्रीज में से भी कोई ना कोई निकल के आता है, तो पता चलेगा, फिर इस पर बात किया जाएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा इस टॉपिक पे बात किया जाए क्योंकि अंडर 19 का वर्ल्ड कप काफ़ी मैटर करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है क्रिकेट में। और भी कुछ सीरीज चल रहे हैं, जो टेस्ट मैच चल रहा है अभी, इंग्लैंड की टीम इंडिया आई है उस पर भी बात करेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच जो चल रहा है वेस्ट इंडीज़ से, काफ़ी अच्छा वेस्ट इंडीज़ वालों ने हरा दिया है साउथ अफ्रीका को, काफ़ी बड़ी बात है, उसमें एक बॉलर उभर के आया है काफ़ी, उस पर भी बात करेंगे। तो बाकी बातें होंगी, लेकिन ये ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 पर मैं सोचा थोड़ा सा बात किया जाए, फिर आगे बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स।